हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मिसल पाव, जो कि एक महाराष्ट्रियन डिश है जो कि बहुत ही फेमस है महाराष्ट्र में। ये स्नैक की तरह भी बहुत खाया जाता है। तो आज हम देखेंगे इसे कैसे बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ मैंने एक कटोरी रात भर भिगाए हुए चने लिए हैं और इसे मैंने सुबह प्रेशर कुक कर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसे अच्छे से पकाना है जैसे कि ये अच्छे से मैश हो जाए। उसके बाद यहाँ मैंने कुछ मूंग लिए हैं और मटकी ली है, जिसे भी मैंने रात को भिगा के रखा था रात भर, और ये कुछ अभी इस तरह से दिखा है। इसे मैंने पकाया नहीं है। अब हम देखते हैं मसाले। तो सबसे पहले मैंने आप लिया है एक कटोरी प्याज बारीक कटा हुआ, एक कटोरी टमाटर बारीक कटा हुआ, यह है कोरिएंडर पाउडर, लाल मिर्च, यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है और हमारी जो तीखापन के लिए लाल मिर्च होती है वो ली है, और यह है गरम मसाला। आप कोई भी मसाला ले सकते हैं जो आपके घर पे अवेलेबल हो, या फिर आप कोई भी रेडीमेड मसाला भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने लिया है एक चम्मच हल्दी, नमक चाहिए होगा हमें, और यहाँ पे है जिंजर गार्लिक की पेस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने कढ़ाई में करीबन 2 बड़े चम्मच तेल गरम करने को रख दिया है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है, तेल आप ज्यादा ही क्वांटिटी में लें, क्योंकि जो हम डिश बना रहे हैं उसमें ज्यादा तेल बहुत अच्छा लगता है और महाराष्ट्र में ऐसे ही खाया जाता है, तो तेल हमें ज्यादा ही लेना है। अब हम इसे अच्छे से पहले गर्म कर लेंगे। तो अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे राई के दाने। आप आवाज सुन सकते हैं, अच्छे से क्रैकल होना चाहिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा, हम डालेंगे प्याज, हम इसे प्याज को अच्छे से भून लेंगे। अब हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसमें डालेंगे टमाटोस, कटे हुए टमाटर, अब हम इसे करीबन 1 से 2 मिनट टमाटर पकने तक भूनेंगे। डालेंगे स्वाद अनुसार। देख सकते हैं हमारा टमाटर पक चुके हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैं हमारा घर का जो मसाला होता है वो डालेंगे, उसके बाद हम डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, हम इसे अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमारा लाल मिर्च का पाउडर, अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे मिर्ची, तो हम इसे करीबन 4 से 5 मिनट तक ढक के पकने देंगे और हम चने को बाद में डालेंगे क्योंकि हमने इसे ऑलरेडी पका के रखा था, तो हम पहले इसे पका लेंगे। यहाँ पे मैंने करीबन 2 से 2.5 बड़े गिलास पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, जो हम बाद में हमारी ग्रेवी में यूज करेंगे। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि पानी को अच्छे से उबाल के डालें, जिससे कि हमारा जो फ्लेवर है ग्रेवी का वो बहुत ही अच्छा आएगा। करीबन 1 चम्मच पानी डाल रही हूँ ताकि जल्दी पक जाए, और हम इसे फिर से ढक के 1 से 2 मिनट और पका लेंगे। तो हम इसमें हमारे चने डालेंगे और हमें चने का पानी भी इस्तेमाल करना है।
इसको हम एक मिनट तक भून लेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी में थोड़ा सा ज्यादा ही डालना है और इसे 2 मिनट तक उबालने देंगे। हमारा उबल गया है, हम इसमें कटा हुआ धनिया डालेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अब हमारी मिसल रेडी हो चुकी है। मैंने इसे पाव के साथ सर्व किया है और हम इसमें ऊपर से डालेंगे फरसान, जो कि खट्टा मीठा सा फरसान आता है वो। तो हम मिसल में पहले फरसान डालेंगे, साथ ही में मैंने नींबू भी रखा है बिकॉज नींबू डालने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसके ऊपर से मैं डालूंगी बारीक कटा हुआ प्याज। आप जितना ज़्यादा डालेंगे उतना ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। तो हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और साथ ही साथ बारीक कटा हुआ धनिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।